नमस्कार। जस पटियाला शाही किचन में आपका स्वागत है। आज हमने बनाए हैं ब्रेड पकौड़े, और वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल। जिस प्रकार से हलवाई बनाते हैं ना मार्केट में, सेम वही स्टाइल से हमने बनाए हैं। यकीन मानिए, ये आप बनाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। इसको बनाने में सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप इन ब्रेड पकौड़ों को सॉस के साथ खा सकते हो, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हो, या फिर इमली की चटनी के साथ खा सकते हो। आप किसी भी चटनी के साथ इसे खा सकते हो, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमने इन टेस्टी ब्रेड पकौड़ों को कैसे बनाया है। सबसे पहले हम ब्रेड पकौड़े के लिए सारे मसाले इकट्ठे करेंगे। हमने डाला है 1 चम्मच नमक, और आधा चम्मच हमने डाली है लाल मिर्च, आधा चम्मच हम डाल रहे हैं पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच डाल रहे हैं हम गरम मसाला, और 1 चम्मच डाल रहे हैं हम सौंफ का पाउडर। इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने पैन को रख दिया है गैस के ऊपर, इसकी फ्लेम मीडियम है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल के, इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से फैला लेते हैं। ये मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, और आधा चम्मच है धनिया जो मैंने इसको क्रश कर लिए। इसे अच्छी तरह से हिला देंगे। मैंने छोटा एक प्याज लिया है, उसमें 2 डाल हरी मिर्च, और 4 डाली हैं लहसुन की कलियाँ। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हो। इसे हम हल्का सा ही चलाएंगे। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का जो टेस्ट है इस टाइम में बहुत ही अच्छा आता है, तो इसमें हम डाल देंगे अब वो वाले मसाले जो हमने सारे इकट्ठे करके रखे थे, इनको हिला देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जल ना जाए। ये 2 चम्मच पानी है, ये अच्छी तरह से हिलाएंगे। और ये 2 चम्मच हैं हरे मटर। ये हमारे हलवाई स्टाइल जो ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं उनका मसाला है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें आलू जो हमने 4 उबाल के मैश करके रखे हैं। ये हमारे आलू के ऊपर सारे मसाले की कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें डालते हैं 10 किशमिश है, और 5 हमने काजू उनके पीसीस कर लिए हैं, उनको भी इस तरह से इसी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहो तो इसमें थोड़े से पनीर की छोटे छोटे क्यूब्स भी डाल सकते हो। ये जो ब्रेड पकौड़े का मसाला होता है ना, भर में ब्रेड पकौड़े का, वो बिल्कुल वही होता है जो कि समोसे का मसाला होता है। अब जब तक हमारा ये मसाला ठंडा होता है तो हम बनाते हैं बेसन का बैटर। अब हमने एक बॉल लिया है और उसमें डाला है 1 कप भर के बेसन। इसमें डालूंगी आधा चम्मच नमक, और क्रश की हुई 1 चम्मच अजवाइन। अब हमने लिया 1 कप पानी, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छी तरह से इसका बैटर तैयार करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए घोल काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच पानी के। ये देखिए 1 कप में से 4-5 चम्मच पानी बच ही गया। ये देखिए बैटर आपका जो है इतना ही स्मूथ होना चाहिए। अब ये बिल्कुल सही है। अब हम तैयार करते हैं ब्रेड। ये हमने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, तो इसके एक तरफ लगाएंगे हम इमली की चटनी, और एक तरफ हम लगाएंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी जो आपकी है ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, तो इसे अच्छी तरह से 1/2 चम्मच लेके ही इसे फैलाना है, ज़्यादा नहीं इसके ऊपर चटनी डालनी। ये हमने चारों अपने ब्रेड पीस तैयार कर लिए हैं, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे
आलू की जो हमने स्टफिंग तैयार करी है वो लीजिए। ये दोनों ब्रेड हमारी तैयार हैं तलने के लिए। अब हमने गैस के ऊपर कढ़ाई में तेल डाल के रखा है, वो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है और हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दिया है। हमने इसे चारों तरफ से कोट करते हुए अच्छी तरह से ध्यान से इसे डाल देना है। ये देखिए कितना अच्छा ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए हमारा बिल्कुल मार्केट स्टाइल पकौड़ा बन के तैयार है। अब हम दूसरा पकौड़ा डालते हैं इसमें। ये देखिए कितना अच्छा ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार हुआ है। ये हमारा मार्केट स्टाइल ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार है। आप चाहे तो इसे इस प्रकार ही खा सकते हो, आप चाहो तो इसे इस तरह से काट के भी खा सकते हो। ये देखिए कितना अच्छा, और इसमें अलग अलग कलर कितने अच्छे दिख रहे हैं। सच में ये पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत ही लाजवाब बना है। आप इस प्रकार से इसे बनाइए, देखिए कितना अच्छा बनाइए। अब हम इसे करते हैं प्लेट में सर्व। आप इन्हें ग्रीन चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ या फिर इमली की चटनी के साथ आप इनके साथ खा सकते हो। ये बहुत ही अच्छे लाजवाब टेस्टी हमारे ब्रेड पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।